हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल फुल थ्रॉटल 94 से। आज के डेट में हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा सिटी 110 ड्रीम डीलक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं इसका प्राइस आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो कि 64,000 से स्टार्ट हो रहा है और ये एक शोरूम प्राइस है। तो इसके टोटल दो वेरिएंट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक डीलक्स वेरिएंट है, जो सेकंड वन है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है। स्टैंडर्ड एंड डीलक्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जो सारे चेंजेस है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये डीलक्स वेरियंट है। तो इसमें आपको बॉडी कलर मिरर मिलता है और इसके जो अलॉयज है ये सिल्वर कलर के हैं और इसका जो इंजिन है वो भी सिल्वर कलर का है। एंड स्टैंडर्ड मॉडल में ये जो मिरर्स आप लोग देख रहे हैं ये आपको ब्लैक मिलेगा और अलॉयज में आपको ब्लैक मिलेंगे और इसका जो इंजन का कलर है वो भी आपको ब्लैक मिलेगा। तो डीलक्स वेरिएंट में आपको टोटल चार कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एथलेटिक ब्लू मेटालिक, सेकेंड वन इज ब्लैक, थर्ड वन इज इंपेरियल रेड मेटालिक, फोर्थ वन इज जेनी ग्रे मेटालिक। बाइक के वेट के बारे में बात करें जो कि 112 kg है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 162 mm का है एंड व्हील बेस 1285 mm का है। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। आप लोग देख सकते हैं हेडलाइट के ऊपर ही आपको होंडा का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है और इसके हेडलाइट सेक्शन में आपको हैलोजन बॉल देखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई DRL लाइट नहीं है और ब्लिंकर्स पर भी आपको हैलोजन बॉल देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं और उसके साइड में ही रिफ्लेक्टर्स हैं और ये बोथ साइड्स में है। मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका जो पेंट जॉब है काफ़ी फिट एंड फिनिश है। इसमें आपको ड्रम ब्रेकअप ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। तो फ्रंट में जो ड्रम है वो 130 mm का है और इस बाइक में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में जो टायर है वो 80x100 का है और ये ट्यूबलेस टायर है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप लोग देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस साइड में आपका स्पीडोमीटर है और यहाँ पर आपका ओडोमीटर और इस साइड में आपका फ्यूल इंडिकेटर है और उसके नीचे आपका न्यूट्रल लाइट और यहाँ पर आपका इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर और यहाँ पर आपका टर्न्स का इंडिकेटर है, उसके ऊपर आपका हाई बीम का इंडिकेटर है। तो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक चीज़ मिसिंग है, इसको ट्रिप मीटर प्रोवाइड करना चाहिए था। कमिंग टू द स्विच सेक्शन, काफ़ी फिट एंड फिनिश स्विच है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका टर्न्स का स्विच है और उसके नीचे हॉर्न का स्विच है और यहाँ पर आपका पास लाइट का स्विच है। इस साइड में आपका इंजन किल स्विच है, उसके नीचे ही आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच। तो ये दोनों बटन एक साथ हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 9.1 लीटर है और ये रहा आपका फ्यूल टैंक का लीड और फ्यूल टैंक के ऊपर ही होंडा का स्टिकरिंग है। टैंक के ऊपर यहाँ आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। तो ये जो ग्राफिक्स हैं ये आपको साइड पैनल्स पर भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टैंक में जाके मिल रहा है और पैनल के ऊपर आपको CD110 ड्रीम डीलर्स का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। तो ये जो इंजन है ये BS6 कंप्लाइंट है जो कि 110 cc का है विथ फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी। पावर फ्यूल्स की बात करें तो ये इंजन 7500 RPM में 8.7 PS का पावर प्रोड्यूस करता है एंड 5500 RPM में 9.3 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इंजन का पावर डिलीवरी मैं राइड के दौरान चेक करने वाला हूँ। रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। रियर में जो टायर है वो 80x100 का है और ये ट्यूबलेस टायर है। साइड काउल पर भी आपको थोड़ा बहुत स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। पिलियन के लिए जो ग्रैब रील है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये स्टील का है और इसमें आपको बहुत सारे हुक्स मिल जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा है। ये काफ़ी लंबा है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पर भी आपको दो हुक मिल जाते हैं जिसमें आप अपना लगेज वगैरह सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं आराम से। रियर में जो टेल लाइट है इसमें आपको हैलोजन बॉल देखने को मिल जाता है और उसके ऊपर ही होंडा का स्टिकरिंग है। इसका जो सीट है ये 15 mm तक बढ़ गया है, तो काफ़ी लार्ज सीट है। तो सीट का कम्फर्टेबल एंड हैंडलिंग ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड के दौरान शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूं, देन वी राइड दिस बाइक।
जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द इंजन। तो आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी मैं इसका इनिशियल पिकअप एक बार चेक करूंगा। ओके, तो इनिशियल पिकअप काफी हद तक सही है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है और बाइक बहुत स्मूथली स्टार्ट हो रहा है। वाओ स्टंट, आई लाइक इट, गुड वन। ऐसे एनकरेज करते रहना चाहिए, काफी अच्छा टैलेंट मैंने देख लिया अभी। और भाई इनसे तो बच के ही रहना चाहिए, इनका कुछ सही नहीं है, ना डालेंगे। सीट काफी कंफर्टेबल है, काफी वाइड सीट इसमें आपको मिल रहा है और काफी लेंथी सीट है। तो पीछे जो पिलियन बैठेगा काफी आराम से बैठेगा। सस्पेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ज्यादा हार्शनेस फीलिंग आपको नहीं आएगी, ज्यादा स्टिफनेस फीलिंग आपको पता नहीं चलेगा, तो ये चीज काफी हद तक सही है। क्लच काफी स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग के दौरान भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, गियर शिफ्टिंग बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसमें। तो इसका ब्रेकिंग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम काफी हद तक सही है। फ्रंट का ब्रेक भी एक बार चेक कर लेते हैं, काफी हद तक सही बाइट है, इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो यार देखो सिटिंग पोजीशन बहुत ही सही है, हैंडलिंग बहुत ही स्मूथ है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ज्यादा एग्रेसिव आप नहीं बैठ रहे हैं इसमें, तो हैंडल आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको आगे करना है या फिर पीछे करना है। टर्न्स में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, टर्न्स पर भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, बाइक बहुत इजीली टर्न ले रहा है और ऐसे NS में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। तो CBS के तहत इस बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफी एनहांस हो चुका है और काफी सेफ फील हो रहा है मुझे। थ्रोटल का रेस्पॉन्स काफी हद तक सही है क्योंकि इसमें आपको डुअल एक्सीलेटर वायर मिल रहा है, तो थ्रोटल का जो रेस्पॉन्स है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है। स्विच एक्शन भी काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, तो इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए वरना फाइन आ जाता है, जैसे कि मेरे दोस्तों का आया है। सेफ फील यानी सेव मनी, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐड ऑन है इस बाइक में। इस सेगमेंट में आपको किल स्विच मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐड ऑन है। 110cc के हिसाब से थ्रॉटल के रेस्पॉन्स काफी हद तक सही है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ब्रेकिंग बहुत ही एनहांस हो चुका है जिसकी वजह से सेफ्टी फीचर्स बहुत ही बढ़ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है राइडर के लिए। डेली लाइफ स्टाइल के लिए ये बाइक काफी हद तक सही है क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। तो इसमें टोटल आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल रहा है, गियर शिफ्टिंग के दौरान भी इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मिरर्स पर आपको रियर व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही स्मूथ है, काफी रिफाइंड इंजन है अभी। तो अभी सारे इंजन BSS कंप्लाइंट हो चुके हैं जिसकी वजह से सारे के सारे इंजन जो है काफी रिफाइंड हो चुके हैं, तो कई सारे लोगों को ये स्मूथ साउंड पसंद नहीं आएगा और कई सारे लोगों को ये स्मूथ साउंड पसंद आएगा, तो उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट है नहीं, वो डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। पता था इसका टोटल 2 वेरिएंट है, एक है आपका स्टैंडर्ड, दूसरा आपका डिलक्स। तो दोनों में आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहा है, मतलब डिलक्स में भी आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहा है, स्टैंडर्ड में भी आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहा है।